Assalamualaikum Alaikum students, how are you? Students, as you know, we are reading chapter number 4 Data Storage Media, and today's topic is about secondary memory. द सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑगलरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी आप इसको एक्सटर्नल यानी कि आप पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह की मेमोरी भी कह सकते हैं जिस तरह आपके मोबाइल्स में जो है वो मेमोरी कार्ड यूज़ होता है उसकी मेमोरी भी इसको कह सकते हैं आप उसको आप सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं वी जस्ट लर्न डेट द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी मोर स्पेफ स्पेसिफिकली रैम हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्टोर डाटा टेम्परिरीली जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी जिसमें स्पेशली रैम है ये डाटा को स्टोर करती है लिमिटेड टाइम के लिए उसके बाद है इन ऑर्डर टू स्टोर डाटा परमानेंटली अगर आपने अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करना है यू नीड टू यूज सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस आपको सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करना होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली ऑन डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर और आउटसाइड द कंप्यूटर बेस्ट एग्जांपल है इसकी जैसे आप मेमोरी कार्ड और यूएसबी यूज़ करते हैं लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अब हम कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी विच इज़ यूज टू बल्क स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम डेटा एंड अदर इंस्ट्रक्शन इसको अपने बुक्स में हाईलाइट भी करें और इसको आपने अच्छे से लर्न भी करना है फर्स्ट सेकेंडरी डिवाइस है हमारे पास हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क इज़ द मेन सेकेंडरी storage डिवाइस फाउंड inside the द कंप्यूटर इट इज़ प्रेजेंट the CPU द It can store बॉक्स इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें बहुत बड़ी मदार में आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर होती है जो कि CPU के अंदर होती है ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी stored ऑन अ हार्ड डिस्क आप जो भी काम अपने कंप्यूटर में करेंगे वो सब हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा एंड नेक्स्ट है हमारे पास सी डी सी डीज मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क आर सर्कुलर इन शेप लाइक दिस एंड कैन स्टोर लॉर्ड्स ऑफ डाटा अ स्टैंडर्ड सी डी कैन होल्ड अबाउट थ्री सेवन हंड्रेड थर्टी सेवन एम बी वर्थ ऑफ डाटा इसमें एटलीस्ट जो है वो आप इतना जो है वो जो डाटा स्टोर कर सकते हैं दे कैन बी ईजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर और आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ईजीली लेके भी जा सकते हैं मोस्ट ऑफ़ द प्रोग्राम्स एंड गेम्स डेट यू यूज़ ऑन योर कंप्यूटर आर अवेलेबल इन सी डीज़ जैसा कि आप मूवीज भी देखते हैं गेम्स भी खेलते हैं वो ज्यादातर सीडीज की फॉर्म में सीडीज कैन कैन बी बी ऑफ टू टाइप्स ये दो तरह की होती हैं सी डी आर ऑन रिकॉर्डेबल सी डी डाटा वंस रिकॉर्डेड ऑन इट एंड कैन नॉट बी रिमूव इसके ऊपर एक दफा जो डाटा स्टोर हो जाता है वो रिमूव नहीं किया जाता जिसको हम सी डी आर बोलते हैं एंड सी डी आर डब्ल्यू और री राइटेबल सी डी डाटा रिटर्न ऑन द सी डी आर डब्ल्यू कैन बी रेस्ड एंड न्यू डाटा कैन बी स्टोर इन इट वो डाटा इरेज करके आप नया डाटा भी उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डी वी डी अ डी वी डी डिजिटल वर्ल्ड स्टाइल डेज लुक लाइक अ सी डी ये भी सी डी की तरह ही दिखती है आ डी डी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग सिक्स टाइम मोर देन डाटा दैन अ सी डी सीडी जितना डाटा स्टोर करती है उससे सिक्स टाइम्स जो है वो उसको आप डबल कर लें तो तब इतना डाटा ही अपने अंदर स्टोर कर सकती है अ स्टैंडर्ड डी डी कैन बी अल्ड फोर पॉइंट सेवन जी बी वर्थ ऑफ डाटा आल्सो अ डी वी डी कैन बी सिंगल और डबल साइडिड ये सिंगल भी हो सकती है और डबल साइडिड भी हो सकती है अ डीवीडी कैन स्टोर कैन यूज टू स्टोर मैनी मूवीज ये बहुत सारी मूवीज एक ही डी वी डी में या एक ही सी डी में यूज करने के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू रे डिस्क द नेम ब्लू रे डिस्क इज़ ड्राइव फ्राम द ब्लू ब्लू वॉयलेट लेजर डैट इज़ यूज टू रीड एंड राइट दिस शेप ऑफ़ डेस्क जैसा कि आपको इसके ऊपर ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा ठीक है अब ब्लू रेड डिस्क कैन स्टोर मोर दैन डाटा अ डीवीडी और ये डीवीडी से ज़्यादा डाटा अपने अंदर स्टोर करती है अब ब्लू रेड डिस्क कैन स्टोर ट्वेंटी फाइव जी बी ऑफ डाटा विच इज़ ओवर फाइव टाइम्स द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग वेरी हाई क्वालिटी वीडियोज़ फाइल्स एंड वीडियो गेम्स डैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस ये ज़्यादा जो स्टोरेज uh, स्पेस रखने वाली चीज़ें हैं उस वो ब्लू रेड डिस्क में जो है वो स्टोर की जाती हैं नेक्स्ट है हमारे पास पेन एंड फ्लैश ड्राइव अ पेन ड्राइव इज़ अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़ ये साइज़ में तो बहुत छोटी होती है इट कैन बी इजिली कैरिड इन अ पॉकेट ऑन अ की चेन अ पेन ड्राइव कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इट कैन बी कनेक्टेड टू द यू एस बी यूनिवर्सल सीरियल बस अ पोर्ट ऑफ ए कम्प्यूटर इसको आप कंप्यूटर के पोर्ट में इजिली कोनेक्ट कर सकते हैं एंड लास्ट वन इज मेमोरी कार्ड अ मेमोरी कार्ड इज़ अ स्मॉल इन साइज विच आर यूज इन मोबाइल्स इज इज यूज टू स्टोर डाटा इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोस डिजिटल कैमराज एम पी थ्री प्लेयर्स एंड मैनी अदर पोर्टेबल डिवाइस आप मेमोरी कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन्स में डिजिटल कैमराज में और एम पी थ्री प्लेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सा डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसिस डेट वर यूज अर्लियर आर फ्लॉपी डिस्क जिप डिस्क एंड पंच कार्डस जो पहले पहल सेकेंडरी uh, स्टोरेज की डिवाइसेस यूज़ होती थी उनमें फ्लॉपी डिस्क था जिप डिस्क थी और पंच कार्ड्स थे सो so, स्टूडेंट्स ये थी आज का आपका लेक्चर और आपकी आज की डायरी है क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम योर सॉरी थ्री फ्रॉम योर नोट्स राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मेमरी एंड सेकेंडरी मेमरी प्राइमरी मेमरी प्राइमरी मेमरी इज़ आल्सो नोन एज द मेन मेमरी और द इंटरनल मेमरी एंड सेकेंड अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमरी Secondary memory. Secondary memory is also called the auxiliary memory. Secondary memory is non volatile, which is used for book storage of program, data, and other instructions. Put date on your notes. Question number three is your diary to learn and to book reading on your book. Page number 35, 36, and sorry, 37, 38, and 39. I hope you all understand.